फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल CHS हेल्प सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएट मेंबर के बारे में। फ्रेंड्स, एसोसिएट मेंबर के बारे में बहुत सारे थ्योरी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में आ रहे थे, तो आई थॉट कि एक वीडियो बना दिया जाए जिससे आप सबकी हेल्प हो पाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, आपका लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं जो हमारा ओल्ड डेफिनेशन था एनसीएस एक्ट 1 सबसेक्शन 19 में बताया गया था, उसमें क्या बताया गया था। तो ओल्ड डेफिनेशन हमारा जो एसोसिएट मेंबर का है वो ऐसा है, एसोसिएट मेंबर मींस अ मेंबर हु होल्ड ज्वाइंटली अ शेयर ऑफ सोसाइटी विद अदर्स बट हुज नेम प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर था, शेयर सर्टिफिकेट में उसका नाम सेकंड पे रहता था और प्रॉपर्टी में भी शेयर एग्रीमेंट या इंडेक्स 2 में सेकंड पे उसका नाम था। बट अभी एसोसिएट मेंबर का डेफिनेशन 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ उसने कम्प्लीटली चेंज हो गया। उसमें क्या बताया गया, 154B 118 में आप रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी कॉपी नहीं है अमेंडमेंट की तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो 154B 118 में बताया गया, एसोसिएट मेंबर मीन्स हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू, नीस, अ पर्सन डुलाई एडमिटेड टू मेंबरशिप ऑफ अ सोसाइटी ऑन रिटेन कंसेंट रिकमेंडेशन ऑफ ए मेंबर टू एक्सरसाइज हिज राइट्स एंड ड्यूटी विद हिज प्रियोर रिटेन कंसेंट हुज नेम डज नॉट स्टैंड इन शेयर सर्टिफिकेट। मेंबर हैव राइट टू अपॉइंट एसोसिएट मेंबर टू एक्सरसाइज हिज राइट्स एंड ड्यूटी विद डुलाई फील्ड अपेंडिक्स 5 एंड एंट्रेंस फी ऑफ RS। तो ये हमारा न्यू डेफिनेशन है जिसमें फैमिली के जो क्लोज रिलेशन में आते हैं वो एसोसिएट मेंबर हो सकता है, एक अपेंडिक्स 5 का 5 फॉर्म फिलअप करके और एंट्रेंस फी ₹100 देकर के। तो अपेंडिक्स 5 जो पुराना आ रहा है मॉडल बाईलॉ 2014 में, वो आपको रिफर नहीं करना है, उसको एडिट करना पड़ेगा एज पर द MCS अमेंडमेंट एक्ट 2000। और यहाँ पे क्लियर हो गया कि उसका प्रॉपर्टी में कोई भी ओनरशिप नहीं होता, इंटरेस्ट एंड राइट्स नहीं होता, तो उसके शेयर सर्टिफिकेट में भी नाम इधर भी नहीं आता है एसोसिएट मेंबर का। 2019 के बाद ये सारी चीजें अगर सोसाइटी ने नहीं चेंज की है तो उनको अपने जो स्टेटरी रिकॉर्ड है वो चेक करके अपडेट कर लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एसोसिएट मेंबर क्या है और कौन बन सकता है और उसके राइट्स एंड ड्यूटी जनरली ट्रांसफर होते हैं एसोसिएट मेंबर को और कुछ भी नहीं है। और एसोसिएट मेंबर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, प्रैक्टिकली उसका रीजन देखा जाए तो फैमिली में समझो फादर मदर है, बीमार है, बेड रिडन है, वो सोसाइटी के डे टू डे एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते हैं। ओके, जनरल बॉडी अटेंड नहीं कर सकते। या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर के कोई फ्लैट्स लिया है वो आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है, तो वो एसोसिएट मेंबर अपने किसी भी ब्लड रिलेटिव को बना सकते हैं और अपने रिलेटिव को वो सारे राइट्स एंड ड्यूटी ट्रांसफर कर सकता है इसके थ्रू, जिससे कि जो एसोसिएट मेंबर है वो सोसाइटी में जनरल बॉडी भी अटेंड कर सकता है, कमिटी में भी आ सकता है, फ्लैट में रह भी सकता है, सारे राइट्स उसको चले जाते हैं। तो एसोसिएट मेंबर का जो आपको ओरिजिनल मेंबर है वो कभी भी कैंसिल भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार बना दिया तो कैंसिल नहीं कर सकता, जब भी वो चाहे तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। और यहाँ पे केस आता है जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करने का, तो एसोसिएट मेंबर जनरल बॉडी मीटिंग विद प्रियोर कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल मेंबर अटेंड कर सकता है। लेकिन जो ये फॉर्म बनाया जाता है, अभी के फॉर्म कुछ मैंने ऐसे भी देखे थे जहाँ पे फॉर्म में एक साथ में ही, क्योंकि अमेंडमेंट हो गया 2019 में, तो उसमें अब मान लो कोई आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है तो वो बार बार कंसेंट लेटर नहीं देगा ओरिजिनल मेंबर की एसोसिएट मेंबर को, फिजिकली प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं होता कि कंसेंट लेटर वो दे कि जनरल बॉडी अटेंड करो। तो वो एक ही बार जो एसोसिएट मेंबर के फॉर्म उसने अमेंड करके बनाए उसमें अपने ड्यूटी एंड राइट्स भी ट्रांसफर किए और अपने जो वोटिंग राइट्स हैं वो और जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करने के राइट्स उसके साथ में ही एसोसिएट मेंबर को दे सकता है।
या तो फिर सेपरेटली कंसेंट लेटर बना के दे दे, तो दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स अभी गवर्नमेंट ने फॉर्म या अपेंडिक्स 5 जैसे बाइलॉ में निकला था, अभी निकाला नहीं है, तो वो हम मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राइट्स एंड राइट्स ऑफ एन एसोसिएट मेंबर। तो फ्रेंड्स राइट्स में क्या क्या है डिस्कस कर लेते हैं। ही कैन गेट ए कॉपी ऑफ ऑल अकाउंट MOM एंड स्टेटरी रजिस्टर। ही कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ हिज ट्रांजेक्शन। ही कैन ऑक्यूपाई द फ्लैट आफ्टर कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल मेंबर एंड विल हैव ऑल द राइट्स एंड बट विल नॉट हैव राइट्स टाइटल एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। मीन्स प्रॉपर्टी में उसका कोई ओनरशिप नहीं होगा। ही हैज द राइट टू पार्ट ऑफ एनी सेलिब्रेशन इवेंट प्रोग्राम विद इन सोसाइटी एंड ऑल्सो हैव इक्वल राइट्स टू ऑल कॉमन स्पेसेस पार्किंग स्लॉट जिम एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी एमिनिटीज है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही कैन कंटेस्ट द मैनेजिंग कमेटी इलेक्शन, कास्ट द वोट, अटेंड द जनरल बॉडी मीटिंग, जैसा ये 154B10 सब सेक्शन 6 में बताया गया है और 154B11 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। ही हैज द राइट टू ऑफिशियल कंप्लेंट डिपेंडिंग ऑन द मिसकंडक्ट या इरेगुलरिटी और एनी ऑफेंस इफ मैनेजिंग कमेटी इज डूइंग। ही कैन राइट्स टू अप्रोच द अथॉरिटी लाइक द रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव कोर्ट, सिविल कोर्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स FAQ सेक्शन, जिसमें आपके पूछे गए हमने कुछ क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपकी जो डाउट्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। एसोसिएट मेंबर नेम विल कम इन द शेयर सर्टिफिकेट, नो। हु कैन एन एसोसिएट मेंबर, क्लोज फैमिली रिलेटिव, जो अभी हमने आपको दिखाया था पहला स्क्रीन। इज देयर एनी लिमिट ऑफ नंबर टू एसोसिएट मेंबर? यस, ओनली वन एसोसिएट मेंबर यू कैन अपॉइंट। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बिकम एन एसोसिएट मेंबर? आपको 100 रुपये इंटरेस्ट फी देना है और अपेंडिक्स 5 एज पर द न्यू अमेंडमेंट 2019 के हिसाब से अपेंडिक्स 5 या फॉर्म नंबर 5 आपको सोसाइटी में सबमिट करना है। कैन माई फादर मेक एन एसोसिएट मेंबर ऑफ सोसाइटी इवन इफ आई एम नॉट अ ज्वाइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट जस्ट पेइंग RS 100 एंड फी एंड अप्लीकेशन फॉर्म? यस, RS 100 इंट्रेंस फी एंड अपेंडिक्स 5 आपको सबमिट करना है, आप एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। कैन एन एसोसिएट मेंबर अटेंड द AGM इन अब्सेंस ऑफ ओरिजिनल मेंबर, टेक द पार्ट ऑफ डिस्कशन, वोट? यस, तो यही बनाया गया एसोसिएट मेंबर। कैन एसोसिएट मेंबर अटेंड ओनली जनरल बॉडी AGM और ऑल द मीटिंग इन विच ओरिजिनल मेंबर इज अब्सेंट? ऑल जनरल बॉडी मीटिंग ही कैन अटेंड इफ ओरिजिनल मेंबर हैज गिवन द कंसेंट। कैन ओरिजिनल मेंबर गिव कंसेंट लेटर टू एसोसिएट मेंबर विद कंप्लीट अथॉरिटी टू डू ऑल एक्ट ऑफ सोसाइटी सच एज द रिप्रेजेंटेशन, गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोसाइटी मैटर इन अब्सेंस ऑफ मेंबर, और कैन बी अ पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर सोसाइटी एंड हैंडलिंग ऑल मैटर रिलेटेड टू सोसाइटी? पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डिफरेंट थिंग्स, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएट मेंबर एंड पावर ऑफ अटॉर्नी के राइट्स क्या क्या होते हैं। बाईलॉ एंड एनशियस एक्ट ने जो एसोसिएट मेंबर को राइट्स दिए हैं उसमें जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करने के राइट्स दिए हैं, फिर मैनेजिंग कमेटी में आने के लिए भी, बट पावर ऑफ अटॉर्नी को वो रोल मीन्स राइट्स वो नहीं दिए हैं। कैन एन एसोसिएट मेंबर कंटेस्ट सोसाइटी इलेक्शन एंड होल्ड द मैनेजिंग कमेटी पोजिशन इफ फुल कंसेंट गिवन बाई ओरिजिनल मेंबर? यस, अगर कंसेंट दिया गया है तो मैनेजिंग कमेटी में आ सकते हैं और ऑफिस बेयरर भी हो सकता है। एसोसिएट मेंबर डेफिनेशन है चेंज आफ्टर एनशियस अमेंडमेंट 2019, वेयर कैन वी गेट द न्यू अपेंडिक्स 5? जस्ट अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि आपको इधर से अभी नहीं मिल रहे तो आप उसको वर्ड में खुद से टाइप करिए और एनशियस अमेंडमेंट एक्ट में जो जो मैंने अभी सेक्शन बताए वो सारे सेक्शन डालिए और जिधर भी शेयर सर्टिफिकेट होल्ड किया है वो लाइन निकाल दीजिए, और प्रॉपर्टी में उसका ओनरशिप है वो पैरा या तो वो लाइन निकाल दीजिए, तो आपका ये न्यू अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से अपेंडिक्स 5 या फॉर्म नंबर 5 आप बना सकते हैं। वैसे हमारे ग्रुप्स में भी ये शेयर होते रहते हैं, अगर आपको जरूरत है तो हमारा ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं।
और वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है जहाँ से आपको ये अमेंडमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सोसाइटी में, फ्रेंड्स में एंड अपने मैनेजिंग कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपकी सोसाइटी में बायलॉ रिलेटेड अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा, हमारी सोसाइटी उतनी ही हैप्पीली स्मूथली रन होगी एंड विदाउट एनी लिटिगेशन रन होगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।